हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किड्स गैलरी चाइल्ड बिहेवियर। मित्रों, मैंने पिछले समय आप लोगों को बताया था कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से जब उनके हाथों में पेंसिल आती हैं तो वो किस प्रकार के कार्य किया करते हैं, दीवारों पर लिखते हैं, तो दीवारों पर वो किस प्रकार के की चीज़ें लिखते हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो तैयार किया था। और इसके जस्ट बाद, जैसे ही बच्चे दीवारों पर लिखने के बाद जब और बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद उनका रुझान जो होता है वो कलर्स की ओर आता है। वो कलर्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपने साथ रख कर वो बहुत ही बेरहमी से और किसी प्रकार का कोई प्रपोर्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इस प्रकार की वो पेंटिंग्स किया करते हैं। तो मैं ये जो वीडियो जो मैंने बनाया है अभी उसे अंत तक देखिएगा। मेरा एक बालक है जो आज तो 7.5 ईयर का हो चुका है, लेकिन जब वो दीवारों पर पेंटिंग को छोड़कर जब उन्होंने बनाना शुरू किया, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने कलर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब कलर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत ही अनडायरेक्शनल, बहुत ही अनप्रॉपर तरीके से उन्होंने पेंटिंग जब शुरू किया। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बच्चे किस प्रकार के पेंटिंग उस दौर पर किया करते हैं। तो इसे कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप देखिए। थैंक यू।